नमो अरिहंताय नमो सिद्धं नमो वायं नमो वज्रायणं नमो लोये सुग्रसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मास्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार चरणानुयोग चूलिका में युक्ता आहार की चर्चा हो गई थी 229 गाथा तक। अब आज 230 गाथा इसमें हाँ, अब उत्सर्ग और अपवाद की मैत्री द्वारा आचरण के सुस्थित पने का उपदेश करते हैं। दो बातें हैं मुनि दशा में, एक होता है एक उत्सर्ग मार्ग और एक होता है अपवाद मार्ग, यानी उत्सर्ग और अपवाद। अपवाद का मतलब लोग ये समझते हैं कि मैंने कुछ भी कर ले वे, मुनि दशा के अयोग्य कृत्य भी कर ले वे, लेकिन भाई ये तो अपवाद है, तो सब अपवाद है, तो वो अपवाद की श्रेणी में नहीं आता। मुनि दशा के अयोग्य कृत्य वो भ्रष्टता की श्रेणी में आता है। अपवाद का मतलब यह होता है कि मूल गुणों का छेद ना हो, है ना, और उसमें आचरण की थोड़ी कोमलता और कठोरता होती है, लेकिन उसमें मूल गुणों का छेद नहीं होता, है ना। ये इसमें बात बहुत अच्छे से कह रहे हैं 230 नंबर का था। बालो वा वुड्डो वा समभिहदो वा पुणो गिलाणो वा चरियम चरदुसजोगम मूलच्छेदो जदाण हवदी। देखो ये बहुत आगे ना, मूलच्छेदो जदाण हवदी, बस मूल का छेद नहीं होना चाहिए, ये एक अनिवार्य शर्त है। देखो इसका हरिगीत, वृद्धत्व बालपणा विषे ग्लानत्व शांत दशा विषे चर्याचरो निज योग्य जेरित मूल छेदन थाय छे। क्या कहा, अपने योग्य माने शरीर में शक्ति नहीं है और फिर भी बहुत कठोर आचरण कर रहे हैं, तो वो अपने योग्य चर्या नहीं कहलाएगी, और शरीर में शक्ति है तो भी आराम भोग रहे हैं तो वो भी अपने योग्य चर्या नहीं कहलाएगी, है ना। तो वो उसमें तो चलता है, लेकिन अनिवार्य क्या है कि जे रीत मूल छेद न थाय छे, बस मूल का छेद नहीं होना चाहिए, ये एक अनिवार्य शर्त है। मूल गुणों को बचा करके, मूल गुणों का नाश नहीं करके आचरण की बात है। चरणानुयोग है ना ये, इसलिए देखो बाल वृद्ध श्रांत, श्रांत का मतलब होता है परिश्रमी, परिश्रम से थका हुआ, मैंने विहार करके आए हुए लंबा ऐसा कुछ, और उसके बाद लिया, या ग्लान, ग्लान का मतलब होता है व्याधिग्रस्त, रोगी अथवा दुर्बल। श्रमण मूल का छेद जैसा न हो उस प्रकार से, छूट कितनी मिली है, छूट कैसी है, जिसको छूट भी अगर भाषा में कहें, छूट है नहीं, वो तो उस भूमिका के योग्य आचरण है, लेकिन अगर कदाचित इसको छूट की भाषा में भी कहे तो मूल गुणों में रंच मात्र भी कोई किसी तरह का समझौता नहीं चलेगा। मूल गुण का छेद न हो उस प्रकार से अपने योग्य आचरण आचरो, है ना, चर्या चरंतु चरतु, मैंने अपने योग्य आचरण आचरो। बहुत अच्छा, देखो इसमें बाल वृद्ध, बाल एकदम बाल मुनि होते हैं कि मुनि दशा की जो अपने यहां पर जो व्यवस्था है
8 वर्ष की उम्र में मुनि दशा अंगीकार की जा सकती है। तब 8 वर्ष की अवस्था वाले मुनि से हम ये उम्मीद करें कि वो कोई जवान मुनि के जैसी कठोर आचरण पालन करेगा तो वो संभव नहीं है, लेकिन इतना आवश्यक है कि मूल गुणों का खंडन उस 8 वर्ष के बालक को भी नहीं होगा, बाल मुनि को भी नहीं होगा। और वृद्ध मुनि है तो वृद्ध मुनि से भी उतने कठोर आचरण की अपेक्षा नहीं होने पर भी ये अपेक्षा तो जरूर है कि मूल गुणों का छेद किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। यही शर्त श्रम से थके, अभी हम तो बहुत थक गए हैं, हम तो बहुत थक गए हैं, तो आज हम बैठे बैठे आर कर सकते हैं, ये नहीं चलेगा, है ना। और इसी तरह ग्लान, ग्लान का मतलब होता है बीमार श्रवण हो, है तो बीमार श्रवण हो तो उनके लिए भी ये नियम है कि मूल गुणों का छेद नहीं हो सकता, मैंने वो आहार आदि की जो प्रक्रिया हो है जी हाँ हाँ कहा उद्दिष्टार मतलब चला फिरा नहीं जाता है तो श्रावक अपने लिए आहार बना करके वो व्यवस्था करे, श्रावक वहां अगर आहार बनावे अपने लिए बनावे, मुनिराज के उद्देश्य से नहीं, तो अपने लिए बनावे तो वो उद्दिष्ट नहीं है, मुनिराज के उद्देश्य से बनाया उसने तो उद्दिष्ट है पक्का। और नहीं नहीं घर छोड़ के आने का तो और भी कारण हो सकता है कि चलो मैं महाराज के सानिध्य में रहेंगे, ये भी एक भावना हो सकती है ना, दो बातें हो सकती है उसमें कि अगर वो मैं महाराज का मुझे चौका बनाना है इसलिए मैं वहां जा रहा हूं, और एक ये भी हो सकता है कि चलो वृद्ध श्रवण है तो अपन भी उनके पास रहेंगे, आराम से अपनी आराधना करेंगे और आराधना करने के साथ साथ अपन उनसे तत्व ज्ञान का लाभ भी लेंगे, ये भावना के ऊपर है। अगर मुनिराज का लक्ष्य लेकर के वो आया है तो गारंटी से उद्दिष्ट आहार है, तो मुनिराज की के लिए आहार की व्यवस्था करने के लिए मैं ये व्यवस्था बना दूं तो उद्दिष्ट है जी। वो अभी की तो छोड़ो ना, अभी की तो चर्चा ही छोड़ो, अभी तो कोई न मुनि है न कोई श्रावक है, अभी की तो चर्चा ही छोड़ो, अभी तो मुनि भी नहीं है श्रावक भी नहीं है, हैं? जैसे मुनि वैसे ही श्रावक हो रहे हैं अभी तो। तो ग्लान श्रवण को भी संयम का, हाँ, जो कि शुद्धात्म तत्व का साधन होने से मूलभूत है, क्या कहा, संयम का, कैसा संयम है कि शुद्धात्म तत्व का साधन होने से मूलभूत है वो संयम, उसका छेद जैसे ना हो, संयम ही उड़ गया मान लो उनके जीवन में, मूल गुण ही खत्म हो गए, बचा क्या फिर बाद में, है ना। तो उस प्रकार से संयत ऐसे अपने योग्य, अपने योग्य अति कर्कश मन कठोर आचरण ही आचरणा, इस प्रकार उत्सर्ग है, अपने योग्य अति कठोर आचरण का पालन करना यह कहलाता है उत्सर्ग मार्ग। इसमें कोई ढिलास नहीं होती, रंच मात्र भी आचरण में भी थोड़ी सी भी ढिलास माने बहुत कठोर आचरण आचरते हैं एक, उसके बाद यही। अच्छा देखो ऐसा नहीं, इसमें यह नहीं कहा उन्होंने कि बाल वृद्ध श्रमित या ग्लान के ये चार श्रवण अपवाद मार्ग का मन मृदु आचरण आचरण करें और बाकी के श्रवण कठोर आचरण आचरण करें, ऐसा नहीं कहा। मैंने ये चार श्रवण ऐसे हैं कि जिनके संभावना ये हो सकती है मृदु आचरण की, है ना, तो ये आचरण करें ही करें, मधु आचरण करने की इनको छूट दे दी है वो नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि अगर वो कठोर आचरण आचरण करें तो उत्सर्ग आचरण है, और नहीं हो तो भी फिर कैसा, तो उसके लिए मृदु आचरण, मधु आचरण में भी कौन सा लिया, अपने योग्य, अपने योग्य में भी कौन सा लिया, संयम का घात ना हो ऐसा ये यहां पर लिया। बाल वृद्ध श्रमित या ग्लान श्रवण को भी शरीर का वहां क्या लिया था, संयम, वहां लिया था संयम का, है ना, यहां लिया शरीर का, जो कि शुद्धात्म तत्व के साधन भूत संयम का साधन होने से मूलभूत है। शुद्धात्म तत्व का साधन है संयम भाव, वितराग भाव, और उसका निमित्त रूप साधन संयोगी, है ना, वो क्या है,
कि वो शरीर होने से वह मूलभूत है, उसका छेद जैसे न हो उस प्रकार। अब शरीर में ताकत ही नहीं है और मैं तो उपवास कर रहा हूं, ठोके जा रहा हूं उपवास, तो जाना हो तो जाए शरीर, तो इसकी अनुमति जैन शासन नहीं देता। वो तो आत्मक्य है ना, ऐसा छेद न हो उस प्रकार बाल वृद्ध श्रांत ग्लान को अपने योग्य मृदु आचरण ही आचरना, इस प्रकार अपवाद है। मैंने इसमें 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 ऐसा नहीं है कि इनके लिए ये है इनके लिए ये है, मतलब सबके लिए, मतलब ये ऊपर लिया ना, देखो बाल वृद्ध श्रमित या ग्लान श्रमण को भी, माने अगर वे उत्सर्ग आचरण आचरना चाहें तो उनके लिए रोक नहीं है, लेकिन वो मृदु आचरण भी इस तरह आचर सकते हैं जिसमें मूल का छेद नहीं हो। कंडीशन क्या है? मूल का छेद नहीं होना चाहिए, बाकी बाकी ठीक है। मूल का छेद हो गया तो तुम गए, तो अभी मूल का छेद हो तो हम तो शरीर के हिसाब से मधु आचरण आचरण करें, ये अनिवार्य नहीं है। अगर आप उत्सर्ग आचरण आचरते हैं तो भी कोई तकलीफ नहीं है, वो भी आचर सकते हैं। मैंने इन दोनों की मैत्री की चर्चा यहां पर आगे करेंगे कि किस तरह साधते हैं। एक देखो, दो हो गया, अब नंबर तीन पैरा कि वृद्ध बाल वृद्ध श्रांत ग्लान के संयम का, जो कि शुद्धात्म तत्व का साधनभूत होने साधन होने से मूलभूत है, उसका छेद जैसे न हो उस प्रकार का संयत, ऐसा अपने योग्य अति कठोर आचरण आचरते हुए उसके शरीर का, जो कि शुद्धात्म तत्व के साधनभूत संयम का साधन होने से मूलभूत है, उसका भी छेद जैसे न हो इस प्रकार बाल वृद्ध श्रांत ग्लान ऐसे अपने योग्य मधु आचरण भी आचरना, इस प्रकार अपवाद सापेक्ष अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग है। अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग है, मतलब क्या कि अपवाद की अपेक्षा सहित उत्सर्ग है। मैत्री बताना है ना यहां पे, तो ये तीसरे नंबर, पहले पहले में क्या लिया, पहले में उत्सर्ग का स्वरूप बताया, उसके बाद मृदु आचरण की चर्चा की, उसके बाद उन्होंने किया अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग। क्या एक तो अपने 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 योग्य शुद्धात्म तत्व के अपने योग्य कठोर आचरण आचरते हुए भी शरीर का जिस तरह से नाश न हो छेद न हो उस तरह का मृदु आचरण भी आचरना, तो ये हो गया अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग एक। अब आगे देखो, आगे लेंगे ये उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद लेंगे। देखो बाल वृद्ध श्रांत ग्लान को शरीर का, जो कि शुद्धात्म तत्व के साधनभूत संयम का साधन होने से मूलभूत है, उसका छेद जैसे न हो उस प्रकार से बाल वृद्ध शांत ग्लान ऐसे अपने योग्य मृदु आचरण आचरते हुए, अपने योग्य मतलब वही मूल का छेद किए बिना, अपने योग्य मृदु आचरण आचरते हुए उसके मने संयम का, जो कि शुद्धात्म तत्व का साधन है होने से मूलभूत है, उसका भी छेद जैसे न हो। मने शरीर को बचाने के लिए संयम का छेद कर डालो और संयम को बचाने के लिए शरीर का छेद कर डालो, दोनों नहीं चाहिए, है ना। हाँ, संयम की रक्षा भी आवश्यक है और उस भूमिका में देखो आयु अभी वो अपेक्षा अभी नहीं कि आयु कर्म के उदेश से शरीर तो जिस समय जाना है जाएगा ही, वो अपेक्षा नहीं, उपदेश शैली की बात है ना। तो लोक में भी अपन नहीं बोलते कि ठीक है, अपन कहेंगे अपने को कोई बीमारी हो है, अपने से कहे इलाज करा, अरे क्या इलाज करा ले, जिस दिन जाना है वो तो जाएगा ही, कि बात तो वही है, जिस दिन जाना है उस दिन जाएगा। फिर भी लोक व्यवहार में लोक व्यवस्था में उपचार आदि का विकल्प आता है कि नहीं आता है?
आता है ना, तो बस उसी तरह कि भाई तुम शरीर अगर नहीं, नहीं हमको तो शरीर जाता हो जा, हमको तो संयम की रक्षा करनी है, ध्यान से सुनना, हमको तो शरीर की रक्षा करनी है, हमको तो संयम शरीर की रक्षा करनी है, संयम जाता हो तो जावे तो भी नहीं चलेगा, और हमें तो शरीर की रक्षा, तुमने संयम के लिए शरीर की रक्षा की या शरीर की रक्षा के लिए संयम का नाश किया, गड़बड़ है दोनों मामला, ये यहां पे कह रहे हैं। तो देखो इसमें कह रहे हैं बहुत, उसका छेद जैसे ना हो उस प्रकार से बाल वृद्ध श्रांत ग्लान ऐसे अपने योग्य मृदु आचरण आचरते हुए उनके संयम का जो कि शुद्धात्म तत्व का साधन होने से मूलभूत है, उसका भी छेद जैसे न हो उस प्रकार से संयत ऐसा अपने योग्य अति कर्कश आचरण भी आचरना, इस प्रकार उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद है, एक में अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग है, दूसरे में उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद है। कहने का मतलब क्या कि इन दोनों की मैत्री है, यानी यानी संयम को बचाने के लिए शरीर का नाश कर दिया, ऐसा कठोर आचरण पालन किया कि शरीर का नाश कर दिया, तो तूने काय को बचाने के लिए शरीर का नाश किया था, संयम को बचाने के लिए। अभी मर के कहां जाएगा भैया बताना जरा, मर के कहां जाएगा, देवगति में, मुनिराज है ना, भावलिंगी है ना, तो कहां जाएंगे, तो देवगति में, तो देवगति में क्या आने वाला है, फिर देवगति में क्या आने वाला है, संयम रहने वाला है वहां पे, तो तुमने संयम को बचाने के लिए किया था ना ये सब। इसी तरह शरीर को बचाने के लिए मृदु आचरण किया, तो शरीर तो जिस दिन छूटना है छूटेगा ही। देखो तो बीमारी क्या है, बीमारी क्या है कि अति कठोर, इसका मतलब क्या है कि अति कठोर आचरण का भी आग्रह ना हो और अति मधु आचरण का भी आग्रह ना हो, अपनी भूमिका में जैसी अपने परिणामों की स्थिति हो, मूल का छेद नहीं होना चाहिए प्रयत्न पूर्वक। वैसे तो जिसको जो जाना है वो जाएगा, शरीर को जाना है शरीर जाएगा, और संयम का भी देवगति में जाने पर तो नाश होना ही है, वो होगा, लेकिन अपनी अपनी ओर से ऐसा प्रयत्न मुनिराज नहीं करते, मतलब दोनों की मैत्री को साधते हैं वो, शरीर के मोह में पड़कर, मतलब शरीर के राग में पड़कर संयम का नाश भी नहीं करते, और संयम के विशेष अनुरागवश शरीर को मिटा देवे या शरीर के अनुरागवश संयम को मिटा देवे ऐसा नहीं होता, अपनी भूमिका के योग्य, और सबसे बड़ी बात मूल का छेद ना हो, ना अंतरंग परिणति और बहिरंग निमित्त रूप शरीर, ऐसा वो आचरण आचरते। ये चरणान योग का ग्रंथ है, ये समझ लेना कि यहां पर अभी वो सिद्धांत नहीं लगेगा कि वो तो जब नाश होना है आयु कर्म के उदय से नए नाश से फलाना, ये बात अभी नहीं है, उपदेश शैली की बात है। दो तरह की शैली होती है, एक होती है सिद्धांत शैली और एक होती है उपदेश शैली, है ना। तो उपदेश शैली में ऐसा करना चाहिए, ऐसा आचरण करना चाहिए, यह उपदेश शैली का कथन है, और मुनिराज की भूमिका में ऐसा सहज होता ही है कि ना उन्हें उत्सर्ग का आग्रह होता है और ना उन्हें अपवाद का आग्रह होता है। दूसरी भाषा में इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सप्तम गुणस्थान में, सप्तम गुणस्थान में आए तो उत्सर्ग है, मतलब शुद्धोपयोग वो उत्सर्ग मार्ग है और विकल्प की भूमिका वो अपवाद मार्ग है, ऐसा भी आगे आएगा। तो मुनिराज को ना तो कि मैं आत्मा में ही लीन रहूं, मेरा उपयोग आत्मा से बाहर जाए ही नहीं, ऐसा आग्रह भी नहीं होता, और राग आ गया तो ठीक है ना, राग आ गया तो क्या हुआ, मेरी भूमिका के योग्य है ना, इस प्रकार भूमिका का छल ग्रहण करके उस राग का आग्रह भी नहीं होता, समझ आ गया, यानी उनका स्वरूप की साधना का पुरुषार्थ भी चलता है, और राग आ जावे तो राग से हटने का पुरुषार्थ भी चलता है, लेकिन अभी का अभी राग मिटना ही चाहिए, ऐसा अति आग्रह न राग का होता है
और अभी की अभी मुझे पूर्णता होनी ही चाहिए, ऐसी पूर्णता का आग्रह भी उनको नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जानते हैं कि पर्याय के क्रम में जो पर्याय जब आनी है, जिस तरह का परिणाम आना है, वो सहज क्रम में पहले से नक्की है ना। द्रव्य स्वभाव का आश्रय लिया तो अभी मुक्ति में देर कितनी है, राग के अभाव में देर कितनी है, कि राग के अभाव में अनंत समय लगने वाले नहीं है। अब अनंत काल की बात तो छोड़ो, क्या नहीं लगने वाले, कि अनंत समय नहीं लगने वाले, तो असंख्यात समय की बात है ना। और दूसरी बात, तू तो त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा है, तो त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा, तो तेरी दृष्टि तो त्रिकाली ध्रुव पर पड़ी है ना। तो पर्याय में बढ़ने योग्य शुद्धि बढ़ती है, घटने योग्य अशुद्धि घटती है। तो बढ़ती हुई शुद्धि का भी ज्ञाता है और घटती हुई अशुद्धि का भी ज्ञाता है, और वर्तमान में जितनी शुद्धि प्रकट है उसका भी ज्ञाता है, जितनी अशुद्धि है उसका भी ज्ञाता है ना। उसके साथ कोई छेड़छाड़ करने का परिणाम ज्ञानी को नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि पर्याय के प्रति उनकी उपेक्षा वर्तती है। ये भी इसका एक सैद्धांतिक पहलू है कि पर्याय के प्रति जो उनकी उपेक्षा है, वो पर्याय के प्रति उनकी उपेक्षा उनको इसमें अति आग्रही नहीं होने देती। आ गया, समझ आ गया ना, ये अर्थ है इसका। इसलिए इसका नाम है मैत्री। ये वचनामत में भी बोला है कि मुनिराज उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री को साधते हैं। मैंने उत्सर्ग का आग्रह करके अपवाद का नाश हो जाए, और अपवाद का आग्रह करके उत्सर्ग मार्ग का नाश हो जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा मुनिराज की भूमिका के योग्य वो सब होता है। इससे ऐसा कहा है कि सर्वथा माने सर्व प्रकार से उत्सर्ग, और ये सर्वथा शब्द यहां भी लगाना, सर्वथा माने सर्व प्रकार से अपवाद की मैत्री द्वारा आचरण का सुस्थित पना करना चाहिए। दोनों की मैत्री, दोनों का बैलेंस, दोनों की अंतर्बाह्य संधि वो बनी रहे, ठीक है, तो वैसा प्रयत्न करना चाहिए। उसमें क्या अंतर्वाह्य संधि में क्या आएगा कि मूल गुण छेद ना हो। मूल जो अभी मुनि दशा का जो मूल अभिप्राय है उसका खंडन नहीं हो, बस इतना है। ये 230 गाथा में कहा। अब उत्सर्ग और अपवाद के विरोध, मतलब अगर उत्सर्ग और अपवाद की अमैत्री यानी मैत्री नहीं साधे से आचरण का दुस्थित पना होता है, ऐसा उपदेश करते हैं। दुस्थित का मतलब होता है खराब स्थिति वाला, यानी आचरण नष्ट हो जाता है, वो बात यहां पर कहते हैं। आहारे विहारे देशम कालम समम खमम उवदिम जानिता ते समणो वठदि जदि अपले विसो जे देश काल तथा क्षमाशम उपदिने मुनि जानिने भरते आर मातो अल्पलेपी श्रमणते। देखो अल्पलेपी कहा है उनको भी, ऐसा नहीं कि राग का परिणाम है भूमिका। देखो भूमिका के योग्य है, इसका मतलब केवल इतना है कि वो परिणाम होने पर वो भूमिका मिटेगी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि उससे उनको बंद नहीं होगा, उससे उनको लेप नहीं लगेगा। लेप का मतलब समझे ना, कर्म का बंद नहीं होगा, कि ऐसा नहीं है। बंद तो होगा, लेकिन बंद उस भूमिका के योग्य है वो, मतलब उससे मुनि दशा की भूमिका खंडित नहीं हो सकती। तो इतना अर्थ लेना इसका। अभी देखो अन्वय अर्थ, यदि श्रवण आहार अथवा विहार में, दो बातें, आहार अथवा विहार में देश काल श्रम क्षमता, क्षमता का अर्थ नीचे लिया है, शक्ति सहन शक्ति धीरज, ये इसका अर्थ लिया है, क्षमता, उसके बाद तथा उपधि, उपधि बने उनकी भूमिका के योग्य जो उपकरण वगैरह कहे जाते हैं ना, जिनका पहले चर्चा आ चुकी है खाली, है ना, हाँ परिग्रह,
इनको जानकर, कितनी चीजों को जाने, आहार विहार दे, आहार विहार में, आहार में, आहार और विहार में क्या चीजें जाने कि देश काल श्रम क्षमता उपधि इनको जानकर प्रवर्ते प्रवर्ते तो वह अल्पलेपी होता है, मतलब उनको अल्पलेप होता है, बंधन तो है लेकिन अल्प बंधन है, वो उस भूमिका में होता है। देखो क्षमता और ग्लानता का हेतु उपवास है। क्षमता माने आपकी ताकत हो और ग्लानता माने अगर आप रोगी व्याधिग्रस्त हैं, उसका हेतु क्या है, उपवास है। और बाल तथा वृद्धत्व का अधिष्ठान उपधि माने शरीर है। इसलिए यहां टीका में बाल वृद्ध शांत ग्लान ही लिए गए हैं। क्या मतलब कि अर्थार्थ मूल गाथा में जो क्षमा उपधि इत्यादि शब्द हैं उनका आशय खींचकर टीका में बाल वृद्ध श्रांत ग्लान शब्द ही प्रयुक्त किए गए हैं। ये खुलासा है पहले। अब देखो यहां पे देश कालज्ञ को भी, देश कालज्ञ का मतलब क्या है कि देश और काल को जानने वाला, माने हम वर्तमान में भरत क्षेत्र के पंचम काल में निवास कर रहे हैं। कौन से काल में, कि भरत क्षेत्र के पंचम काल में। यदि वह बाल माने देश कालज्ञ को भी, यदि वह बाल वृद्ध शांत और ग्लानत्व के अनुरोध से, अर्थात बालकत्व वृद्धत्व श्रांतत्व और ग्लानत्व का अनुसरण करके आहार विहार में प्रवृत्ति करे तो मृदु आचरण में प्रवृत्त होने से अल्प लेप होता ही है। क्योंकि ये जो चार प्रकार के होंगे ना कि आहार विहार में कैसे प्रवर्तन करेंगे, अति कठोर प्रवर्तन नहीं होगा इनका। कैसा प्रवर्तन होगा कि मृदु आचरण में प्रवर्तन होगा, तो उसमें प्रवर्तन होने से अल्प लेप होता ही है। लेप का सर्वता अभाव नहीं होता, इसलिए उत्सर्ग अच्छा है। क्यों उत्सर्ग अच्छा है, उसमें तो अल्पलेप का भी संभव नहीं है। आ गया एक बात। और देश कालज्ञ को भी यदि वह वृद्ध बाल वृद्ध श्रांत ग्लानत के अनुरोध से आहार विहार में प्रवृत्ति करे तो मधु आचरण में प्रवृत्त होने से अल्प ही लेप होता है, विशेष लेप नहीं होता, इसलिए अपवाद अच्छा है। आ गया, उसमें कहा था अल्प लेप होता ही है। देखो भैया मृदु आचरण में प्रवर्तन करोगे तो अल्प लेप होता ही है, तुम्हें अल्प लेप भी नहीं चाहिए तो क्या करना, उत्सर्ग अच्छा है। और मृदु आचरण करेंगे तो अल्प ही लेप होता। देखो वहां शब्द क्या प्रयोग किया था, अल्प लेप होता ही है, लेप नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो मृदु बताओ इसमें। और यहां पे कहा कि मृदु आचरण में अल्प ही लेप होता है, विशेष लेप नहीं होता, नीचे नहीं गिरोगे, भूमिका नहीं बिगड़ेगी, है ना, तो विशेष लेप नहीं होता, इसलिए अपवाद अच्छा है। लेकिन अपवाद और उत्सर्ग में कंडीशन क्या है वो पहले समझ लेना कि अल्प अपवाद में उत्सर्ग में क्या है। कैसा, चलो अपवाद में ऐसा हो सकता है ना कि अभी हम थके हुए हैं, ग्लान हैं, है ना, वृद्ध हैं, चला नहीं जाता, तो डोली रख सकते कि नहीं मुनिराज, है कि चार आज जमीन देख करके चलना, तो चार आदमियों की ड्यूटी लगा दी कि बेटा तुम चार आज जमीन देखो, है ना, तुम चारों आज एक एक आज सब देख लो, चारों देख लो, और मैं आराम से डोली पे बैठा हूं, तुम्हारे एरिया समिति के भरोसे मेरी एरिया समिति पल रही है, ये नहीं चलेगा। आगे सुन,
ऐसी तरह भोजन में कि खड़ा रहने की ताकत नहीं है तो बैठ के भोजन कर पात्र में करूंगा लेकिन बैठ के करूंगा कि ये नहीं चलेगा। मूल गुणों का छेद हो जाए वो तो चलेगा ही नहीं। हाँ, अति कठोर नहीं है, मृदु है, मूल का खंडन नहीं है, अल्प लेप होगा, विशेष लेप नहीं होगा, ये कह रहे हैं। तो भूमि उसमें कोई वो नहीं, तो इसलिए तो उत्सर्ग और अपवाद द्वार की मैत्री बताई ना। लेकिन इसका जो छल ग्रहण करके अपवाद मार्ग के नाम पर कुछ भी चला लेना, सब तो होते ही है, अपवाद तो हर चीज के होते हैं। हाँ होते हैं ना, लेकिन कंडीशन आचार्य ने रखी ना, मूल का छेद ना हो, ये कंडीशन किसने रखी? ये आचार्य ने रखी, तो आचार्य की बात माननी पड़ेगी। देखो, विशेष लेप नहीं होता, इसलिए अपवाद अच्छा है। मतलब वही पांचे बातें हैं जो उत्सर्ग, पहले उत्सर्ग, अपवाद, अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग और उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद, ये जो चार बातें ली थी ना, उसी को ले रहे हैं यहां पे। देश कालज्ञ को भी ये समझ सकते हैं अपन कि जितना हल्का फुल्का मुनि दशा को समझा जाता है कि कपड़े खोल दिए, कमंडल पीछे ले लिया और 28 मूल गुण हो नहीं हो कोई बात नहीं, श्रावकों को कह दो कि बेटा तुमको परीक्षा करने का अधिकार इसलिए नहीं है कि तुम श्राव, अगर मुनि बिगड़ भी जाए तो तुम प्रायश्चित देने के अधिकारी नहीं हो, तो प्रायश्चित देने के अधिकारी नहीं हो तो तुम मैंने उसका दोष नहीं देख सकते। भाई ठीक है, प्रायश्चित देने का अधिकार हमें नहीं है, लेकिन हमें तुम्हें नमन नहीं करने का अधिकार तो है ना, नहीं है वो? हम तुम्हें आहार दें कि नहीं दें इसके लिए तो मुनि पने का निर्णय करेंगे कि नहीं करेंगे, आगे समझ में? ठीक है, प्रायश्चित तुम्हारे गुरु जी जाने, तुम जानो, हमें क्या मतलब है, लेकिन हम तुम्हें गुरु माने कि नहीं, और तुम्हें गुरु नहीं मानने से हम निगुरा तो नहीं कहलाएंगे, या तुम्हें गुरु मानने से हमारे गृहित मिथ्यात्व का पोषण तो नहीं हो जाएगा, कि इसके लिए तो हमें गुरु की भी परीक्षा करनी ही पड़ेगी। क्यों क्यों मैंने श्रावकों के ग्रंथों में गुरु का स्वरूप क्यों बताया? देखो दो बातें, कि जब हमें अगर गुरु को मानना है तो गुरु कैसा होना चाहिए, एक बात, और यदि स्वयं मुनि बनना है तो मुनि दशा कैसी होती है, वो हमसे निभ पाएगी कि नहीं निभ पाएगी, है ना? दो बातें होगी ना, दो बातें, अगर हमें बनना है तो कैसी दशा होती है उसका ज्ञान होना चाहिए, और यदि हमें नहीं बनना, मान लो मुनि नहीं बनना, तो मुनिराज को मुनिराज तो मानना पड़ेगा कि नहीं, तो कैसे मुनिराज को हम मुनिराज माने? किसी शास्त्र में यह नहीं लिखा कि जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं हो तुम उसे मुनि मान लो, कमंडल पीछे लेके आ गया और उसके शरीर पर वस्त्र नहीं हो तुम उसे मुनि मान लो, यह किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, हर शास्त्र में मुनि का स्वरूप लिखा है, और श्रावक के शास्त्रों में भी श्रावकाचार प्ररूपित श्रावकाचार के शास्त्रों में भी आया, तो दो बातें, श्रावकाचार के शास्त्रों में दो ही बातों से आया ना, कि एक तो मुनि कैसा होते हैं उनका निर्णय हमको करना पड़ेगा, और यदि हमें मुनि होना है तो मुनि का जीवन कैसा होता है उसकी हमको नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज नहीं होगी तो दोनों तरह से हम ठगाए जाएंगे, जो मुनि नहीं है उनमें मुनि मानेंगे तो मिथ्यात्व का गृहित मिथ्यात्व का पोषण करेंगे, और अगर कदाचित बिना नॉलेज के मुनि बन गए, ठीक है ना, तो फिर जो हो रहा है उसी लाइन में हम लोग भी शामिल हो जाएंगे, तो क्या होगा कि जिस मनुष्य भाव में भाव का अभाव करने के लिए अपन लोग आए थे, वो मनुष्य भाव भाव बढ़ाने में निमित्त हो जाएगा, आ गया कि नहीं आ गया? मैंने सोचो कैसे कैसे वीडियो इस समय आ रहे हैं,
आज एक वीडियो आया, एक मुनिराज एक हाथ में पीछी पकड़ रखी और एक हाथ में तलवार है ना, और लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। अरे तुम्हारा आदर्श है मुनिराज, तलवार का वार सहन करते हैं, ये तो पौराणिक व्याख्यान है। लेकिन मुनिराज अपने हाथ में तलवार उठा करके और इस तरह की भाषा बोले और फिर कहे कि तुम हमको मुनि नहीं मानते हो, तो कैसे माने तुमको? एक जैन श्रावक भी अति मजबूरी नहीं होवे, श्रावक को तो त्याग नहीं है। हां तुम्हारे पर कोई उपसर्ग करेगा और हमारे हाथ में तलवार होगी तो वो हिचकेगी नहीं चलने से, उपसर्ग करने वाले के प्रति उसके ऊपर चलने से वो हिचकेगी नहीं। लेकिन मुनिराज तलवार लेकर के श्रावकों को देखे कि देखो भाई शस्त्र उठाना पड़ेगा, और बढ़िया इतनी बड़ी तलवार फर्स्ट क्लास, जैसी तलवार होती है वैसी तलवार, और फिर घूम करके बाकायदा उसको भाषण बोल रहे। हाँ वीडियो, हाँ भाई वही कह रहे हाँ वो सब, तो भी क्या बोले अभी, तो अपने को क्या करना होगा? देखो ये तो सारे के सारे ड्रामे चलेंगे, पंचम काल है, इससे अभी तो बहुत बुरी स्थितियां आएंगी। अभी तो हुआ क्या, अभी तो 2500 वर्ष निकले हैं ना, तो इससे बुरी स्थितियां आएंगी। लेकिन अपने को मुनि धर्म का सच्चा स्वरूप ख्याल में हो, इसलिए कि ऐसे वेशधारियों को हम गलती से भी मुनि ना मान बैठे, ना मनवा बैठे, ना मानने वालों की अनुमोदना कर बैठे, ना इनको आहार दान दे बैठे, इसलिए इनके स्वरूप की जानकारी होना आवश्यक है। और यदि मुनि बनने का प्रसंग आवे तो कैसा मुनि जीवन होना चाहिए। आ गया, ये उसके लिए भी जानकारी चाहिए, ये है मूल बात। तो इसके पीछे मूल भावना तो ये है, देख देख के शर्म आवे कि कैसा जैन दर्शन को मैंने कहां रसा तल में पहुंचाने का काम कर रहे हैं ये लोग। हाँ यार है ना, ये देखो भाई क्या है अभी ये अगर ये आदर्श मैंने, अब इसमें लोगों को निंदा नहीं लग रही कि देखो ये महाराज तलवार लेकर के और YouTube पर इस तरह के भाषणबाजी कर रहे हैं, तलवार हाथ में लेकर के घूम रहे हैं, यूं खेत पर ले लेकर के यूं यूं करके दिखा रहे हैं, और इसमें जैन धर्म की कितनी निंदा हो रही है कि जो जैन श्रवण अहिंसा के अग्रदूत माने जाते हैं, जो जैन दर्शन अहिंसा का अग्रदूत माना जाता है, उनकी भले बाहर की दृष्टि से कि उनके श्रवण आज इस स्तर तक नीचे गिर चुके हैं, इस स्तर तक नीचे गिर चुके हैं, इससे बड़ा जैन दर्शन का पतन, और इसमें मुनि धर्म की निंदा नहीं लग रही लोगों को? और सत्य स्वरूप बताओ मुनिराज का, तो तुम मुनि की निंदा करते हो? गुरु का स्थान ही नहीं मानते, क्या है ये सब? सोचो जरा। और अपने जैन दर्शन में कहा कि अन्य मत की प्रशंसा भी ना करें, प्रशंसा करने मात्र से भी सम्यक्त में अतिचार लगता है, दोष लगता है नहीं लगता, सटनायतन का दोष लगता ही नहीं लगता। और वो शुरू ही वहां से कर रहा है, हमारे वेद, हमारी गीता, हमारे फलाना, हमारे फलाना, हमारे फलाना, राष्ट्रवाद है ना, क्या है ये? मुनि हो और उसके साथ में गणमेन चले, राष्ट्र संत्र की उपाधि दी है सरकार ने हमें, उनने दिए, ली तो तुमने है ना, हम कपड़े देते हैं तुमको, ले लो कपड़े, क्यों नहीं लेते हो फिर भाई? अपन छड़ाला में क्या पढ़ते हैं, वनिता गदादि युत चिन्ह चीन, कि जिनके साथ में स्त्री नहीं होती, जिनके साथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होते, है ना। अब तुमने अस्त्र शस्त्र अपने पास में नहीं रखे तो प्रवचन करते हो तो दो गनमैन वहां खड़े, गवर्नमेंट ने दिए साहब, तो गवर्नमेंट ने तो तुमको तो गनमैन दिए। आदिनाथ को तो जब आहार करने के लिए निकले थे तब क्या क्या चीजें लोगों ने लाला के दी थी, बोलो। अगर आदिनाथ की तरह तुम्हें मिलने लगे तो तुम जो सबको समेट के ले जाओ अपने घर, ये हो गया इसका मतलब, तो फिर कि सारी समेट लो तुम तो कि अरे भाई आप अगर अगर सरकार अज्ञानी है, सरकार नहीं समझती है जैन दर्शन के स्वरूप को और गुरु के स्वरूप को,
तो तुमको बताना चाहिए जैन दर्शन का स्वरूप यह है, हमारे साथ में कोई हत्याधारी नहीं हो सकता, है ना। और उसके बाद भी कि फिर ऐसों को नहीं मानो, ऐसों को नहीं मानो तो तुम मुनि विरोधी हो। गुरु को नहीं मानते, देव और साथ को मानो, क्या है ये सब, है ना। ये तो अभी इसलिए ये तो क्या बाहर का वेश भी नहीं रहा है। भाव लिंग तो गए, एक और द्रव्य लिंग भी गया, अभी तो द्रव्य लिंग का भ्रष्ट रूप भी नहीं है, भ्रष्टतम स्थिति है। भ्रष्ट रूप तो वो है कि चलो कोई दोष लग गया, कोई कुछ हो गया, वहां तक भी एक बात गौण कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, सुन लो, गौण करने लायक नहीं है लेकिन थोड़ी देर चुप रह सकते हैं अपन लोग, हद हो गई। राजनीति पे ये बोलेंगे, सरकारी गवर्नमेंट किसकी बननी चाहिए किसकी नहीं बननी चाहिए उस पर ये बोलेंगे, तो देश कथा, राष्ट्र कथा, भोजन कथा, स्त्री कथा, ये वी कथाओं में आया है। तो जो 24 घंटे वी कथाएं करते हैं वे तो श्रावक कहलाने के लायक नहीं है, मुनि कहलाने लायक किधर से हो गए, नहीं आया समझ में, है ना। अभी देश को, इस समाज को किस हद तक मुनि धर्म का पतन देखना है, ये अभी बहुत बहुत रोंगटे खड़े करने वाले दृश्य अभी अपन लोगों के सामने आएंगे। इसलिए अपनी श्रद्धा वज्र जैसी हो कि दुनिया इधर से उधर घूम जाए, कोई कुछ ही कहे भैया स्वरूप सोना लेने जाएंगे तो 99 वो वाला नहीं चलेगा, 100% चाहिए, है ना। लोक में होता है कि नहीं ऐसा है भैया, ये स्वरूप है, क्या करे, है ना। अभी ये दो बातें तो हुई, अभी दो की अपन चर्चा और कल करेंगे।